सुखदेव जी महाराज से प्रक्षत जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हे प्रभु आप हमें ये बतलाएं कि जो श्री गोवर्धन जी महाराज थे ये कौन थे, आप हमें ये बतलाएं और कहां से आए थे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन ये द्रोणाचार्य पर्वत के पुत्र गोवर्धन जी महाराज थे। भगवान ने अपनी बाल लीलाएं इस मृत्युलोक पर करने के लिए अपने हृदय से गोवर्धन बाबा को प्रकट किया था और घुटने से वृंदावन को और वाम सकंद से यमुना मैया को प्रकट किया। कहने लगे प्रभु आप ये हमें बताएं कि भगवान ने इनको प्रकट क्यों किया। सुखदेव जी कहने लगे राजन एक बार भगवान नारायण श्री हरि गोलोक धाम में राधा जी के साथ विहार करते थे। भगवान ने एक नई लीला करने का विचार किया और भगवान ब्रजा गोपी के घर चले गए। जब राधा जी को पता चला कि ठाकुर जी तो ब्रजा गोपी के यहाँ चले गए हैं तो बड़ा दुख हुआ और रूस करके एक भवन में जा बैठी। ठाकुर जी ने देखा राधा जी तो रुष्ट हैं तो ठाकुर जी ने राधा जी को मनाना प्रारंभ किया, चरण दबाने लगे तो सुदामा नाम का गोप आया और ठाकुर जी से बोला हे ठाकुर जी ये राधा रानी कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा ली है, हैं क्यों इतना मनामने कर रहे हैं उनके, छोड़ो ना माने तो। राधा जी को ये वचन बड़े अच्छे नहीं लगे। राधा जी बोले अरे सुदामा गोलोक धाम में रहकर तू असुर जैसा स्वभाव तेरा है, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ तू राक्षस हो जा पृथ्वी पर चला जा। सुदामा को फ्रोने लगा हे माँ भगवती आपने छोटी सी बात के कारण मुझे इतना भयंकर श्राप दे डाला, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं भी चाह सोचता हूँ और कहता हूँ कि भगवान भी आपको 100 वर्षों तक पृथ्वीलोक पर भेजें और आप वहां रहें, जैसे मेरा वियोग भगवान नारायण से हुआ है सो आपका भी वियोग हो। सुदामा गोप चला गया और इधर राधा जी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगी। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, समय आने पर आप जब मृत्युलोक में जाएंगी ना तो हम भी वहां पर आएंगे। जब समय आया राधा जी जाने लगी तो बड़ी चिंतित। भगवान बोले क्या बात है, हमारा मन कैसे लगेगा, यहाँ इतनी सुंदरता है, लता है पता है। ठाकुर जी कहने लगे चिंता मत करो, ब्रज मंडल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे। उसी क्षण भगवान ने हृदय से गोवर्धन बाबा को प्रकट किया और आदेश दिया जाओ द्रोणाचार्य के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ में प्रवेश करो और वहां जाकर प्रकट हो जाओ और यमुना मैया को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान की पुत्री बन के प्रकट हो मृत्यु लोक में जाओ और वृंदावन को साक्षात ठाकुर जी ने स्वयं भेजा, जाओ ब्रज मंडल में जाके बास करो, हम कुछ समय बाद वहां पर आकर के अपनी बाल लीलाएं करेंगे। इसलिए भगवान ने इनको प्रकट किया। तो महाराज ये द्रोणाचार्य चल पर्वत से और ब्रज मंडल में गोवर्धन बाबा कैसे पहुंच गए ये कथा आप हमें बताओ ना।
सुखदेव जी कहने लगे, राजन कल्प भेद के अनुसार दो कथाएं हैं। कैसे? जब भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था समुद्र पर, सभी वानर पर्वत ढो रहे थे, हनुमान जी भी पर्वत ला रहे थे, तो इस गोवर्धन पर्वत को स्वयं हनुमान जी महाराज ला रहे थे। जम जी को ठाकुर जी ने आदेश दिया राम जी ने कि कह दो पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिस पर जो पर्वत पर पत्थर है वो वहीं पर स्थापित कर दे। हनुमान जी ने जब ध्वनि सुनी, अब ये नहीं कहना जी कहां राम सेतु और कहां ब्रजमंडल, ये दिव्य पुरुष थे, इनकी ध्वनि कहीं तक भी जा सकती थी। हनुमान जी ने ध्वनि सुनी जामवन जी की, तो पर्वत श्री गोवर्धन महाराज को रखने लगे, तो गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपने तो मेरी दुर्गति कर दी। हनुमान जी बोले, कैसे भैया? आपने मैं ना घर का छोड़ा और ना घाट का। अरे अपने पिता के घर रहा तो भी ठीक था, भगवान के चरणों में लग जाता तो भी ठीक रहता, अब मैं तो किसी का नहीं रहा। हनुमान जी को दया आ गई, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोवर्धन जी महाराज आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, क्या करूं? भगवान ने हनुमान जी की ध्वनि सुनी और अंतरात्मा से जवाब दिया कि गोवर्धन बाबा से कह दो कि जब हम द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब आपको हम हाथों से उठाएंगे, आप तो चरणों के नीचे लगते आगे हाथों से धारण करेंगे। हनुमान जी ने गोवर्धन बाबा को आशीर्वाद दिया, ठाकुर जी की बात बताई, बड़े प्रसन्न हो गए गोवर्धन जी महाराज और हनुमान जी वापस आ गए। और दूसरे जो कल्प की जो कथा है उसमें अगस्त मुनि जी इनको लाते हैं, द्रोणाचार्य इस पर्वत को मांगते हैं गोवर्धन बाबा को, भय के कारण दे देते हैं, लेकिन इनको बड़ा दुख होता है, गोवर्धन बाबा को मेरे पिता के यहाँ से ले जा रहे हैं। कहने लगे, गुरुजी मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ लेकिन मेरा एक वचन है। क्या? कि जहाँ आप मुझे रख दोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं। ठीक है भैया, हाथ पर धारण किया और जैसे ही ब्रजमंडल में आए तो गोवर्धन बाबा ने देखा कि यहाँ तो ठाकुर जी लीलाएं करेंगे, क्यों ना हम भी यहीं विराजित हो जाएं, और अपना भार बढ़ा दिया। महात्मा जी को थकान महसूस हुई और शिव गोवर्धन बाबा को स्थापित कर दिया। ये दूसरे कल्प की कथा है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, रामायण में लिखा है श्री रामचरितमानस में कि कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कथाएं होती हैं। जो पढ़े लिखे बाबा होंगे भैया होंगे वो तो समझ जाएंगे कल्प भेद क्या होते हैं। युग होते हैं कितने? चार, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे ही इनसे ऊपर होते हैं मनवंतर, 27 मनवंतर। और 27 मनवंतर किसके अंदर आते हैं? कल्पों के अंदर, 14 कल्प। जैसे सेकंड मिनटों के अंदर आती है और मिनट घंटों के अंदर आते हैं, और घंटे आते हैं दिन के अंदर, और दिन महीनों के, पक्षों के, और पक्ष महीने के, और महीने वर्ष के, और वर्ष शताब्दियों के अंदर आते हैं। ये सब बहुत लंबा समय है। सो ऐसे ही कल्प भेद की कथा है, किसी कल्प में कोई कथा हो गई, किसी में कोई कथा। जैसे कि रावण, एक ही व्यक्ति बार बार रावण नहीं बना,
आपने रामायण पढ़िया पढ़ने वाले भी हैं, नित्य प्रति श्री रामचरित मानस जी का पाठ करते हैं। एक बार जय विजय रावण बने हैं, एक बार प्रताप भानु जो राजा था ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना, एक बार नारद जी का श्राप लगा शिवगणों को, वो दो शिवगण रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये कल्प भेद की कथाएं हैं, ये ना सोचे जी ये एक कथा ही तो हो सकती है, एक बार में दो नहीं नहीं अलग अलग हो जाती है, कुछ अंतर आ जाता थोड़ा बहुत। आज जब भार बढ़ा तो संत महाराज ने वहीं पर विराजित किए, उठाने लगे तो गोवर्धन बाबा नहीं उठे। महात्मा को क्रोध आया, अरे तुझे अभिमान हो रहा है बल का, जब हम तुझे श्राप देते हैं तो तिल तिल रोज घटेगा, आज भी घट रहा है। सो इस प्रकार तो गोवर्धन जी महाराज की स्थापना हुई, जिनको ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। भगवान की जय जयकार हुई। बोले मां के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।